एक क्वेश्चन आता है ओजोन लेयर फॉर्मेशन से और डिप्लीशन, ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन, कोई एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है तो लिख देगा एक्सप्लेन ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन। ठीक है, अब देखिए कि ओजोन लेयर कैसे बनेगा और ये डिप्लीट कैसे होगा, डिप्लीट मतलब ये टूटेगा कैसे। ठीक है, ओजोन को हम कहते हैं O3, O3 मतलब ट्राई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इसमें तीन एटम है ना, ट्राई एटॉमिक हो गया, ये ट्राई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। ठीक है, ये बनता कैसे है तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही बनता है, वो भी अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन गैस जो है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये जब नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, इससे जब रिएक्ट करेगा अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में तो क्या बनाएगा, O3 बनाएगा, ये ओजोन बना। ठीक है, और टूटता भी ऐसे ही है, जितना बनता है उतना ही टूटता है, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही रिएक्शन होते हैं और टूटता भी है यूवी रे के प्रेजेंस में। O3 टूटेगा तो क्या बनाएगा, O2+O, है ना, मतलब ओजोन टूटेगा तो ऑक्सीजन गैस और नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। अब देखिए कि हम लोग CFCs यूज करते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन बेसिकली रेफ्रिजरेंट्स में यूज होता है, मतलब ठंडा करने में, जैसे फ्रीज हो गया, उसके बाद आप देखिए पहले एसी में भी यूज करते थे। ठीक है, तो इस और एरोसोल्स में जो सेंटमेंट आता है उसमें भी, तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो है ये बहुत खतरनाक होता है, कैसे, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकता है। क्लोरो फ्लोरो कार्बन पे जैसे ही अल्ट्रावायलेट, क्योंकि हल्का होता है, एटमॉस्फेयर में जाएगा, यूवी रे पड़ेंगे तो इसे क्या निकलेगा, नेसेंट क्लोरीन, ये नेसेंट क्लोरीन है, और ये नेसेंट क्लोरीन जो है ना ओजोन के टूटने के प्रोसेस को फास्ट कर देगा, O3 टूटेगा, है ना, क्लोरीन, जैसे ही क्लोरीन का प्रेजेंस होगा तो ओजोन जो है वो टूटेगा और ऑक्सीजन गैस और नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा, और ये टूटने का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा बनने के प्रोसेस से। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है कि जितना ओजोन ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन मिलके जितना ओजोन बनाता है उतना ही ओजोन टूट के ऑक्सीजन गैस और नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, लेकिन ये क्लोरीन के प्रेजेंस में, ठीक है, जो कि क्लोरो फ्लोरोकार्बन से मिला है, तो ओजोन जल्दी टूटेगा और बनेगा क्या, ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन, और इसके कारण क्या होता है कि ओजोन लेयर में, ओजोन लेयर ठीक होने, ठीक से थीन होने लगता है, मतलब पतला होने लगता है, और चूंकि ओजोन लेयर पतला हो जाता है इसी को हम ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं। तो आप इक्वेशंस तो यही लिख देंगे और वर्ड्स में लिख लेंगे।